नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अपने घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में या वर्किंग प्लेस पे कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम खाना तो कम ही खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद हमारा पेट बहुत टाइट लगता है, उसमें गैस फील होती है, पेट बहुत फूला फूला लगता है। यदि इस तरह की समस्या आ रही है तो उसे ब्लॉटिंग कहेंगे या ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमन कहते हैं। मींस बेली का या लोअर एब्डोमन का फुल फील होना या टाइट फील होना, आम भाषा में इसे हम गैस की समस्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमन के कारणों पर बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे, और ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इसमें पेशेंट के आहार नाल में या गट में बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, मतलब उसके अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और उसके ख़राब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसके कारणों की रेंज बहुत बड़ी है दोस्तों। इसमें ये भी है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस यदि एक्युमुलेट हो रही है किसी कारण से, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या इंडाइजेशन हो गया है, या पेशेंट को किसी स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेसफुल वो लाइफ जीता है, यदि उसकी पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन के। थायराइड के कारण भी ऐसा हो सकता है, यदि रिफाइंड शुगर का इंटेक बढ़ा दिया है तो भी, यदि सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ाया है खाने में तो भी, क्योंकि उसके कारण रिटेंशन ऑफ वाटर होता है और पेशेंट को फुलनेस की फीलिंग आती है एब्डोमेन में। कभी कभी पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक खाने से, पेन किलर खाने से या जंक फूड खाने से भी ये कंप्लेंट हो जाती है। किसी को इंटॉलरेंस होता है जैसे कि डेयरी का या ग्लूटेन का, तो भी ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन की समस्या देखी गई है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो इस कंप्लेंट को बढ़ा देते हैं, जैसे कि पेशेंट को यह कंप्लेंट इवनिंग में ज़्यादा होती है। पेशेंट यदि बहुत समय तक भूखा रहता है तो भी उसके पेट में गैस की समस्या हो सकती है। यदि वो फिजिकल ड्रिंक ज़्यादा लेता है तो भी यह कंप्लेंट बढ़ जाती है। खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है, मीन्स ओवरलोडिंग करता है, तो भी हो सकता है, और खाना खाते से यदि लेट जाता है तो भी उसको ये तकलीफ हो सकती है। यदि पेशेंट खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है तो उसके चक्कर में वो एयर को भी स्वेलो कर देता है, इसे हम एरोफेजिया कहते हैं। इसके कारण भी पेशेंट में ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन की समस्या हो जाती है या बढ़ जाती है। हम यदि इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ये एक सिम्टम ही है, लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया गया, तो धीरे धीरे ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। ब्लॉटिंग एब्डोमेन के सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें एक मेन सिम्टम ये है कि पेशेंट को पेट बहुत फूला फूला और टाइट फील होता है। पेशेंट को डकारें आ सकती हैं, उसको गैस पास करने में कंप्लेंट आती है, उसको ऐसा लगता है कि जो गैस है उसके पेट में कहीं फंसी हुई है और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट को कब्जियत हो सकती है या लूज मोशन भी हो सकते हैं। इन सब के कारण पेशेंट के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये सारी कंप्लेंट मेनली लोअर एब्डोमेन में लोकलाइज्ड होती हैं। ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन को समझने के लिए या उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए 6F हैं, जो बहुत ही शॉर्टकट हैं, जो इजीली आप डायग्नोस कर सकते हो कि ये है या फिर ये है। जैसे कि 6F में नंबर वन ये है कि पेशेंट को फ्लैटस, फीटस, फीसिसस, फ्लूड, या फिर कोई फीटल ग्रोथ हो गई है, या कोई न्यूप्लाज्मा हो गया है, फैट या चर्बी। तो ये 6F से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को जो रीज़न है ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन का वो क्या है। ब्लॉटिंग एब्डोमेन की होम रेमेडीज़ में पेशेंट को खाने का पैटर्न सुधारना चाहिए, उसको खाना चबा चबा के खाना चाहिए, उसको रेगुलर मील्स लेना चाहिए और ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए, और बहुत टाइम तक भूखे भी नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, फाइबर को रिड्यूस कर देना चाहिए, स्प्राउट वगैरह कच्चे नहीं खाना चाहिए। जो फूड गैसी होते हैं जैसे कि राजमा, अरहर दाल, चना दाल, ये अवॉइड करना चाहिए। ब्लॉटिंग एब्डोमेन के लिए इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें यदि कोई बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जिससे कान गैसेस बन रही हैं तो वो पता चल जाएगा। पेशेंट को यदि किसी चीज़ का इंटॉलरेंस है, यदि फैक्टोस का है या किसी और चीज़ का है, तो वो ब्रीथ टेस्ट से भी क्लियर हो जाता है दोस्तों। यदि एब्डोमेन का एक्सरे या MRI करवाएंगे तो उसमें स्मॉल या मल्टीपल बबल दिख जाएंगे गैस के, जो पॉकेट जैसा दिखाई देते हैं, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं।
अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है कार्बोवेज। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि इवन द पार्टिकल ऑफ फूड, यदि उसने एक भी पीस खाया है तो वो जाके पेट में गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बहुत ही बदबूदार डकारें आती हैं, उसके जो फ्लैटस होता है वो भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। यदि इस तरह की तकलीफ आ रही है, पेशेंट का पेट बहुत टाइट टाइट लगता है और पेशेंट को ये सारे डिस्कम्फर्ट मेनली अपर एब्डोमेन में होते हैं, यदि इस तरह की कंप्लेंट आ रही है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और एक चीज़ और, पेशेंट को इन सब के कारण, मतलब गैसेस के कारण, उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, उसको पंखा बहुत नज़दीक से चाहिए होता है, वो पसीने पसीने हो जाता है, तो कार्बोवेज दे सकते हैं। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है एसेफोर्टिडा। यह मेडिसिन हींग से बनती है दोस्तों। जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी गैस ऊपर चढ़ रही है और बहुत ही लाउड इरिटेशन, मतलब बहुत ही तेज आवाज़ के साथ उसको डकार आती है, तब इस मेडिसिन का रोल बढ़ जाता है। इसमें पेशेंट को पेट में बहुत टाइट फील होगा, गैस फील होगा और ये मेडिसिन देने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ जाता है। लाइकोपोडियम का जो मार्क सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होती है या टाइटनेस फील होती है। पेशेंट की ये सारी कंप्लेंट इवनिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पेशेंट को ऐसा लगता है कि यदि उसने एक भी बाइट खाना खाया तो वो पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है रेफेनस सेटाइवस। दोस्तों गैस किसी भी फॉर्म की हो, चाहे वो ऊपर जा रही हो, चाहे वो नीचे जा रही हो, मतलब अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड जा रही हो, तो रेफेनस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें पेशेंट को वोमिटिंग, इरेक्टेशंस भी फील हो सकते हैं और उसको एपिगेस्ट्रियम में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है और उसको एब्डोमेन में कोलिक की फीलिंग भी आती है। इसमें लास्ट मेडिसिन है चाइना। दोस्तों यह मेडिसिन गैस के मामले में जादू का काम करती है। जब भी किसी भी तरह की गैस बन रही है, पेशेंट के होल एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा टाइट फीलिंग है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो चाइना इन एनी कंडीशन दे सकते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स बहुत मार्क्ड होते हैं, जैसे पेशेंट को ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन बिकॉज ऑफ स्लो डाइजेशन होता है, पेशेंट का खाना पचता ही नहीं है। पेशेंट को इसके साथ साथ बहुत वीकनेस फील होती है, उसको डेबिलिटी फील होती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को समझने में, ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन को समझने में हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।